बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा खालिद शम्स, और मेरे साथ मोहम्मद अली साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। आज हमने एक खुफिया इतला पे कार्रवाई की है, जो ईरानी प्लास्टिक शॉपर्स आते हैं उनके गोडाउन पे हमने रेड किया, और हमने काफ़ी सारा प्लास्टिक टनों के हिसाब से पड़ा हुआ है, इसको हम कॉन्फिस्केट करके इसको रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम जो हमारा अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है प्लास्टिक बैग्स का, उस पर लेके आएँ। तो ये हमारी पहली बड़ी कार्रवाई है इस सिलसिले में। मेरा ये मैसेज है अवाम के लिए और जो ये प्लास्टिक का कारोबार करने वाले हैं, कि जो प्लास्टिक बैग है, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग जो कि इंतहाई पतला होता है, ये माहौल के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो आप इससे गुरेज करें, ख़ासकर अवाम जो है ना, इसको ना ख़रीदें, और जो इसके व्यापारी हैं, उसका कारोबार करने वाले हैं, उनसे भी ये गुजारिश भी है, उनके लिए ये वार्निंग भी है कि वो इसका कारोबार बंद करें। जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड फैक्ट्री है और वो लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा और गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स पे प्लास्टिक बैग्स बनाती है, वहाँ से प्लास्टिक ख़रीदें, ताकि हमें फ्यूचर में इशू ना हो, उनके लिए भी इशू ना हो। ख़ास कर ये जो मानसून का सीज़न आ रहा है, इसमें ये फ्लड ड्रेन्स वगैरह, नाले, ये सारे इसी प्लास्टिक से चोक होते हैं, और उसकी वजह से फिर रोडों पे और घरों में पानी आता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करें, और इस पर गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है, हम इस पर रूटीन में कार्रवाई करेंगे। तो जिन लोगों के पास भी ये प्लास्टिक है, या तो वो ख़ुद उसको वॉलंटरीली हमारे पास लेके आए, हम उसको वे करके उसके हिसाब से उनको दूसरा जो हमारा सर्टिफाइड स्टैंडर्ड वाला प्लास्टिक बैग होगा वो हम देंगे उनको, और अगर नहीं है तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर जो भी हमें मिलेगा प्लास्टिक गैर कानूनी और इलीगल, उसको हम कॉन्फिस्केट करेंगे, फिर इसमें इनका नुकसान होगा। मैं मोहम्मद अली काकड़, डिप्टी डायरेक्टर मौलियात। एक तो ये ना कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो एक्ट मंजूर किया, बलूचिस्तान प्लास्टिक बैग्स एक्ट 2023, तो उसकी बुनियाद पर हमने एक फैक्ट्री को सर्टिफाइड एनओसी दिया हुआ है। वो 50 माइक्रोन प्लास्टिक बना रहा है, जो माहौल के लिए फ़ायदेमंद है, उसका रिसाइकल भी है, उसका यूज़ भी मतलब रीयूजेबल है। और दूसरा जो ये जो अनसर्टिफाइड प्लास्टिक आ रहा है, या दूसरे ममालिक से आ रहा है, या दूसरों सूबों से आ रहा है, वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये सिलसिला रेट का जारी रहेगा। जो आवाम से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो गवर्नमेंट के अदारों के साथ तआवुन करे।